दोस्तों बात 1956 की थी, जब तमिलनाडु में होता है ट्रेन एक्सीडेंट, और उस समय के जो रेलवे मिनिस्टर थे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। रेल दुर्घटना घटी जिसमें 140 लोगों की जान चली गई। लाल बहादुर शास्त्री जी संसद के पटल पर गए, उन्होंने कहा कि ये भी मेरी गलती है, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे सरकार की ओर से ये संदेश देना है कि हम लोग उनमें से नहीं हैं जो बिना किसी बात से प्रभावित हुए केवल आगे बढ़ते चले जाएं। सरकार होने के नाते हमारा दायित्व है कि जो दुर्घटना घटी, एक रेल मंत्री के नाते मैं उसकी जिम्मेदारी लूं। और नवंबर 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2000 की बात है या उसके आसपास की बात है, नीतीश कुमार उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे और उनके कार्यकाल में ट्रेन एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस। पहले तो ऊन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। अभी हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में होता क्या है कि देखिए, 2022 और 23 के बीच में जो रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं वो 50 के आसपास हुए हैं। दिस ईयर इफ यू आर सीइंग द 2023 टू 2024, अभी तक 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं, हजारों लोगों की जान गई है। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने ये बात को स्वीकारा भी नहीं है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारे लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? मिलता नहीं है। He has not taken the responsibility also. He has not accepted the responsibility. उन्होंने credibility शो ही नहीं किया हुआ है। वो बस आके ड्रामा करते हैं रोने का, या ड्रोन व्यू लेते हैं वंदे भारत का। परिवारों के मेंबर्स को गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व। हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। पहले तो मानने को तैयार ही नहीं हुए हैं कि इस देश में नीट घोटाला हुआ है, नीट स्कैम हुआ है। पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रूथ फ्रॉम द मिनिस्टर हु आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट की घटनाएं हुई हैं, स्कैम हुए हैं। उनके बोलने से पहले, उनके बोलने से 10 दिन पहले पटना पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है कि हाँ, ये लोग स्कैम करते हुए पकड़े गए हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में कुल 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए थे। इन सबकी गिरफ्तारी अलग अलग जिले से की गई थी। गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के सदस्यों में सबसे ज्यादा 12 आरोपी कटिहार से हैं। कटिहार के सिर्फ कोलासी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र से ही 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। किसी से 15 लाख तो किसी से 20 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। पुलिस इज हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रूफ। पुलिस हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड FIR नॉट ओनली इन बिहार, इफ यू सी झारखंड, इफ यू सी राजस्थान, तो वहां पे घटनाएं हुई हैं। नीट परीक्षा का पेपर जयपुर में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही लीक हो गया था। आरोप है कि जयपुर से पेपर लीक होने के बाद इसे सीकर में सॉल्व किया गया, फिर उसे वापस जयपुर में परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिया गया। लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले की भनक लग गई और पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भट्ट और आरिफ वोरा को गत रोज राजस्थान से अटक किया हुआ है। मुख्य पॉइंट यह है कि तुषार भट्ट के मोबाइल में से बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे लिस्ट मिले हैं जिसके अंदर से इन्होंने पैसे लिए, ऐसा प्रस्तावित होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट गुजरात के बाहर से, हजार हजार किलोमीटर दूर से ये स्टूडेंट ने यहाँ पंचमहल जिले के जो गोधरा तहसील का जो जय जलाराम स्कूल है वो सेंटर चूज किया था। तो यही बात शंका पैदा करती है कि भाई इतनी दूर से, जिसको गोधरा के साथ कोई लेना देना नहीं, कभी इसका आना नहीं हुआ है, तो इसने ये पसंद क्यों किया? तो यही कॉन्स्पिरेसी है। धर्मेंद्र प्रधान मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं भैया, एनटीए इज लाइक दूध का धुला हुआ, उसने कोई स्कैम नहीं किया हुआ, किया उन्होंने। आप तो पहले ये बात को स्वीकार ही, आप तो उस बात को स्वीकार ही नहीं रहे हैं कि भैया एनटीए में स्कैम हुआ है। यू हैव सीन दैट सेवरल गर्ल्स हैज सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि
हर बच्चे जो हैं उस पेन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस उतना पेशेंस नहीं होता है। आप ये बोल देंगे कि स्कैम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। चलो उससे उससे क्या होता है कि आप एक शो करते हो कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और इस पर कड़ी एक्शन लूँगा। पेपर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट तो भैया बैकफुट पे जाएगी ही जाएगी, आज नहीं तो कल जाना ही है। एक ज़माना था कि जब लोग क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे, अभी क्या है कि मोदी गवर्नमेंट मानते ही नहीं है कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। उनसे गलती के बारे में बात करी तो बोलते हैं कि सारी जो गलतियाँ थी वो इंदिरा गांधी में थी, सारी गलतियाँ नेहरू जी में थी, हम तो दूध के धुले हुए हैं। ये सरकार थोड़ा सा अपना रवैया बदले, छात्रों के प्रति जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ आपकी जो एग्जामिनेशन है वो फ्री और फेयर हो रहे हैं। हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, किसी एग्ज़ाम में 10 लाख 20 लाख रुपए देके लोग जो है सीट ले लेते हैं। उन बच्चों का क्या जो हार्डवर्क करते हैं, जो पढ़ते हैं? दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट हु इज़ कंसिडर्ड एज अ वेलफेयर स्टेट। तो आप अपने आप को दिखाइए कि हम भी वेलफेयर स्टेट हैं।